प्रभात मेरे क्लास 12 के बच्चों, जैसा पिछले बार मैंने आपके ग्रामर से कुछ पढ़ाए थे, लाइक मुहावरे और लोकोक्ति, शायद आशा करती हूँ आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंसेस क्या है और उनको वाक्यों में प्रयोग कैसे किए जाते हैं। आज मैं आपके दूसरे टॉपिक लेके आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण मंजिषा से, सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द हल्की से प्रयोग के दौरान उन शब्दों को सुनने में एक जैसा हमें लगता है, लेकिन वाक्यों के आधार पर उन शब्दों में सूक्ष्म भेद आते हैं। जैसे आपके व्याकरण के पुस्तक पेज नंबर 208 में सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द कई सारे दे रखे हैं, अब उनको किस अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं देखते हैं। कुछ एक आध मैंने यहां लिखा है, अहंकार का मतलब होता है घमंड, अपने अस्तित्व का गर्व करने वाला। अब उसी प्रकार दर्प है भाई, दर्प भी कहने के लिए एक समान सा प्रतीत होता है, बट कुछ अंतर। पद या प्रतिष्ठा का घमन अर्थात झूठा गर्व, उसी प्रकार अभिमान है। सारे शब्द सुनने में एक जैसा लगेंगे, बट वाक्यों के आधार पर और उस शब्दों में कुछ सूक्ष्म अर्थ अवश्य पाए जाते हैं। जैसे अभिमान है अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, उसी प्रकार घमंड शब्द है उसका मतलब होता है दर्द। अनुग्रह, कृपा, परोपकार, एहसान, दया। अनुकंपा का मतलब होता है बड़ी कृपा, किसी की दुख से दुखी होकर उस पर दया की जाने वाली है। उस प्रकार नेक्स्ट पेज में भी है आपके पेज नंबर 209 में, जैसे निंदा शब्द है निंदा, निंदा किसी के अवगुणों का उल्लेख करना अर्थात बुराई करना। उसी तरह अपयश शब्द है बदनामी, प्रतिष्ठा की हानि। कलंक है लांछन, ऐसा चिन्ह जो अपयश का कारण हो। अलौकिक, जो इस संसार में दुर्लभ कार्य या वस्तु हो जो इस लोक की न हो, यानी दैवी। अब असाधारण, जो कार्य या भाव साधारण से बहुत बढ़कर हो। अभिज्ञ है जिसे अनेक विषयों की साधारण जानकारी हो, विज्ञ मतलब जिसे किसी विषय का विशिष्ट कम जानकारी हो। उसी तरह आपके पेज नंबर 210 में है अतिरिक्त और अत्यंत। अतिरिक्त यानी जो इच्छित या उचित मात्रा से अधिक अर्थात फालतू, अत्यंत यानी बहुत अधिक, हद से ज्यादा। अर्चना, धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता का पूजा की जाने वाली। अब पूजा क्या है, बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना या सम्मान। अभिनंदन, स्वागत, प्रसन्न करना, स्वागत यानी आगंतुक का सम्मान और अभिनंदन। आल्हाद यानी हर्ष, उल्लास यानी किसी कार्य की सफलता या तत्काल सफलता की आशा पर मुख मंडल पर चमक, उल्लास। हर्ष अब क्या है, इस वस्तु या व्यक्ति को भला चंगा जान पाने पर रोमांचित होना अर्थात प्रसन्नता जनित रोमांच। उसी तरह आतंक शब्द है, आतंक का मतलब भय, आशंका होता है भविष्य में अमंगल होने का भय या संदेह होना। आज्ञा का मतलब होता है
अपने अधीन व्यक्ति को आदेश देना। अब आदेश होता है आज्ञा। दूसरा आधिवैदिक, देवताओं से मिलने वाला दुख, जैसे अग्नि, वायु, जल आदि। अब है आपके आधिभौतिक, प्राणियों से मिलने वाला दुख, जैसे सिंह से खाया जाना, सांप से डसा जाना। आगामी वर्ष में परीक्षा दूंगा, आने वाले, आगे आने वाला। भावी यानी भावी को टाल नहीं सकता, होने वाले, आगे होने वाले, है ना। आराधना यानी स्थिति अर्थात प्रार्थना, उपासना का मतलब होता है ईश्वर अथवा देवता की एक निष्ठ साधना। आधि होता है मानसिक कष्ट को आधि कहते हैं, जैसे चिंता। व्याधि होता है शारीरिक कष्ट को व्याधि कहते हैं, जैसे ज्वार, खांसी इत्यादि। इस प्रकार आपके 212 पेज नंबर में भी आप देख सकते हैं, कुछ एकाद मैं सारे पेजों से कुछ कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे आपके 212 के अंतर्गत शोभ, बेचैनी, शोभ का मतलब होता है बेचैनी, दुख, मानसिक पीड़ा, गर्व होता है सच्चा अभिमान, गौरव, गुरुता का भाव बड़प्पन, दंभ होता है किसी अयोग्य व्यक्ति का बाहर अंडंबर अर्थात झूठा अभिमान। उस प्रकार आपके 213 पेज नंबर में देखिए संकोच, किसी काम के करने में हिचक, भ्रीड़ा होता है स्वाभाविक लाज, चेष्टा होता है कोई अच्छा काम करने के लिए शारीरिक श्रम करना, प्रयत्न होता है कोई कार्य अच्छा या बुरा करने के लिए क्रियाशील होना, उद्योग, किसी काम को पूरा करने की मानसिक दृढ़ता, टीका, सामान्य साहित्यिक कृतियों के अर्थ विश्लेषण और उनकी व्याख्या को टीका कहते हैं। उस तरह आपके नेक्स्ट पेज में देखते हैं 14 के अंतर्गत, जैसे भ्रमण, भ्रमण का मतलब यह सैर सपाटा या विभिन्न दर्शनीय स्थान देखने के लिए होता है, और पर्यटन होता है यात्रा जो किसी विशिष्ट कार्य या किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है। पेज नंबर 15 के अंदर, 215 के अंदर श्रद्धा, भक्ति आधार, भक्ति होता है ईश्वर, देवता अथवा पूज्य व्यक्ति के प्रति की जाने वाली पूजा या भक्ति। उस प्रकार आपके 216 पेज नंबर में देखिए कुछ एकाद परिषद, विचार हेतु अनेक सदस्यों का संगठित समूह, गोष्ठी, यह आकार में छोटी होती है, इसमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति या अधिकारी ही भाग लेते हैं, यह भी अस्थायी होती है। समिति, आकार में गोष्ठी से भी छोटी होती है, इसमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति निश्चित कार्य वर्ष भाग लेते हैं। इस प्रकार आपके ये टॉपिक सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द क्लास 12 के लिए आज का ये टॉपिक ग्रामर से मैंने कराया। मैंने विविध पेज की आपके विविध से कुछ उदाहरण लेके कराए, लेकिन आपको फर्स्ट टू लास्ट पूरे आपको करने हैं, आपको जानकारी होने कि भाई कौन से शब्द कब हमें प्रयोग करना है और किस अर्थ पर। आज के लिए आपके ग्रामर यही समाप्त करती हूँ। अब जाने से पहले थोड़ी सी आपके गद्य संकलन से, आपकी पुस्तक गद्य संकलन से मैं एक कहानी, संस्कृति क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित ये कहानी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अगली क्लास में शुरू करूंगी, लेकिन हल्का सा मैं आपको हिंट अर्थात टॉपिक के विषय पे लेखक का क्या विचारधारा वो थोड़ा सा मैं झलक आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। संस्कृति क्या है, बड़ी प्रश्न पाठकों के सामने, हमारे सामने है कि संस्कृति क्या है। यहाँ पे लेखक ने
संस्कृति और सभ्यता को लेके बहुत ही अच्छे से पाठकों को हम समझाने की कोशिश की है कि संस्कृति और सभ्यता एक ही शरीर में वास करते हुए भी कुछ अंतर अवश्य है। सभ्यता भौतिक रूप से सभ्यता है आपके शारीरिक रूप से आपकी इच्छाओं के आधार पर भौतिक सुख सुविधा का उपभोग करना, जबकि संस्कृति होता है आपका कई युगों से बनाए हुए, कई युगों लग जाते हैं संस्कृति बनने में, वो है आपकी संस्कृति। अब लोगों के यानी बच्चों के कुछ हरकतों से, कुछ व्यवहार से पता चल जाता है कि भाई ये कौन सी संस्कृति से बिलोंग करता है। अब सभ्यता की यहाँ बात नहीं आती है। मान लो कोई बच्चा अच्छा खासा पहनता रहता है, अच्छा महलों में रहता है, किंतु उस व्यक्ति अर्थात उस बच्चों में, उन बच्चों में अगर संस्कृति की कमी हो तो वो एक सुसंस्कृति सुसभ्य नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि संस्कृति की परिभाषा देना असंभव है। कवि लेखक कहते हैं असंभव है, उनके लक्षणों की पहचान से उसे समझा जा सकता है, लक्षणों की पहचान से उससे समझा जा सकता है। संस्कृति और सभ्यता दो ऐसे शब्द हैं जिनका सबसे अधिक प्रयोग होता है, पर उन्हें समझना उतना ही कठिन है। संस्कृति सभ्यता से भिन्न है। अंग्रेजी के कहावत के अनुसार लेखक कहते हैं कि जो हमारे पास है और संस्कृति वह जो हम में व्याप्त है। अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार सभ्यता वह है जो हमारे पास है और संस्कृति वह है जो हम में व्याप्त है। अर्थात भौतिक वस्तुएं हमारी सभ्यता की परिचायी हो सकती है, पर हमारे संस्कार हमारी संस्कृति को स्पष्ट करते हैं। संस्कृति अर्जित करनी पड़ती है। निर्मित वस्तु सभ्यता की प्रतीक है, पर उसको निर्मित करने की कला संस्कृति है। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति को तो हमें अर्जित करनी पड़ती है। कई साल, कई वर्ष, कई युग लग जाते हैं सीखने में, हमारे अंदर समावेश करने में, हमारे अंदर डालने में, हमारे अंदर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में लाने के लिए कई युग लग जाते हैं। जबकि सभ्यता तो जब चाहो आप उन्हें धारण कर सकते हैं। सभ्यता से मतलब यहाँ लेखक के कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे उदाहरण देके आपके यानी पाठकों को इन दो विषयों पे स्पष्ट करना चाहा है कि सभ्यता है क्या और संस्कृति है क्या। संस्कृति बहुत ही सरल है। संस्कृति बहुत ही सरल है, जो हमारे पारिवारिक संस्कृति की जो पहचान है, संस्कृति की जो पहचान है आंतरिक सद्गुणों से पहचानी जाती है। लोगों के आंतरिक सद्गुणों से पहचानी जाती है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सभ्य वह सुसंस्कृत भी हो, और वह कई बार सुसंस्कृत व्यक्ति आज की परिभाषा के अनुसार सभ्य नहीं हो सकता। यानी जो सुसंस्कृति है, जो अच्छे गुणों से भरे हुए हैं, उन व्यक्ति को बाहरी रूप में सभ्य नहीं कहा जा सकता। अगर देखा जाए कि बाहरी रूप में वो अच्छा नहीं पहनता, खाता अच्छा नहीं, रहता अच्छा नहीं, उसके पास कोई सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये एक सुसंस्कृति वाले नहीं है। जबकि देखने में कुछ और होता, कुछ और यानी आंतरिक जो गुण है कुछ और, यानी सुसंस्कृत से भरा हुआ हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से तो ठाट बाट सभ्य दिखने में लगता है, किंतु अंदर से संस्कृति कहा जाए तो जीरो। व्यवहार गुणों को देखा जाए तो वो व्यक्ति जीरो। सो यही हमारे सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंसेस बताए हैं लेखक ने। अब कुछ उदाहरण है, मैं आज के लिए यही रखती हूँ।
अगली क्लास में इसी कहानी को मैं आगे कराऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।